नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक शख्स ने अपनी महिला मित्रों पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने नशे में अपने दो अन्य पुरुष मित्रों के साथ मिलकर न केवल उसके साथ मारपीट की, उसके अकाउंट से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराए, उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर फरार हो गए, बल्कि अब उसका यह आरोप है कि उसका एक वीडियो जो है वो बना लिया गया है अश्लील, जिसे वायरल करने की धमकी भी उसे दी जा रही है। दरअसल ये पीड़ित शख्स जो है वो मध्य प्रदेश के ही पूर्व मंत्री का भतीजा बताया जा रहा है, और उसका मूल रूप से पेशा जो है वो ठेकेदारी का है, जो कि सीहोर जिले में है। और पीड़ित का ये कहना है कि वो सीहोर में रहता है, लेकिन उसकी पहचान जो है भोपाल में रहने वाली अपनी महिला मित्र से थी। उसने उसे पार्टी के नाम पर भोपाल बुलाया था। भोपाल के खजूरी सड़क थाना क्षेत्र में जब वो अपनी महिला मित्र और उसकी एक और मित्र के साथ एक मकान में, किराए का मकान है, वहां पे पार्टी कर रहा था, तो इस दौरान वहां पे दो और पुरुष आए जो महिला मित्रों के साथी थे। उन्होंने नशे की हालत में इसके साथ जमकर मारपीट की पीड़ित शख्स के साथ, और इससे अपने अकाउंट में 1,00,000 रुपए तो तत्काल ट्रांसफर करा लिए। बाद में इसके और भी ज्यादा वीडियो, अश्लील वीडियो मोबाइल में होने का दावा किया है, ये आरोप लगाया है पीड़ित शख्स ने। और ये कहा है, जो कि पूर्व मंत्री और फिलहाल में अगर देखा जाए तो विधायक के भतीजे हैं, उनका ये आरोप है, पीड़ित हैं जो, उनका ये आरोप है कि उनका कोई अश्लील वीडियो महिला के पास मौजूद है, जिसे बार बार वायरल करने की धमकी भी दे रही है इंटरनेट पर। और इसके बाद ये शख्स जो है पुलिस के पास पहुंचा है। इस शख्स का ये भी आरोप है कि इसकी जो स्कॉर्पियो गाड़ी है वो भी लेकर के दोनों फरार हो गई हैं। तो कुल मिलाकर के इस पूरे मामले में अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और क्या कुछ कहना है पुलिस का, एसीपी अंतिमा समाधिया से सुनिए। ये व्यक्ति जो है मुकेश वर्मा, जो आवेदक है, इन्होंने कल थाने पर आकर कंप्लेन की है कि दो इनकी महिला मित्र हैं, एक सोनाली दात्रे और आरती ठाकुर। इन महिला मित्रों के साथ ये पार्टी करने के लिए इन्होंने जैसा आवेदन में बताया कि खजूरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक आकृति एक्सोटिका में किसी घर में किराए पर लेकर वहाँ गए थे, जहाँ इन महिलाओं के साथ, इनके दो महिला मित्रों के साथ दो पुरुष भी थे, और इन लोगों ने इसके साथ मारपीट की है। मारपीट करने के बाद इनके फ़ोन से अपने पास 1,00,000 रुपये ट्रांसफ़र करा लिए हैं। इसके अलावा इनकी स्कॉर्पियो गाड़ी भी मौके से लेकर चले गए हैं। तो इस तरह का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है 1 करोड़ की और प्रॉफिट मांग रहा है, पैसा और मांग रहा है। अब देख रहे हैं, जांच में है मामला। प्रथम दृष्टया तो ये उस समय जिस तरह से घटना हुई है, मारपीट करके उनसे पैसा ले जाना और गाड़ी ले जाने की घटना है। अब आगे इसमें जांच की जाएगी, देखते हैं किस प्रकार की मांग की जा रही है। शायद कोई वीडियो भी वायरल होने का वो बता रहे हैं, तो इसकी जाँच करते हैं, आगे जो भी आएगा पता। पुलिसकर्मी की पत्नी इसमें बताई जा रही है, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाए ये जो दात्रे हैं या आरती ठाकुर हैं, इनमें से कोई पुलिसकर्मी है या पुलिसकर्मी के परिवार से संबंधित है। जैसी भी इसमें जो भी जांच में सामने बिंदु आता है तो हम लोग आपके साथ। तो आपने पुलिस का बयान भी सुन लिया। पुलिस साफ तौर पे यहाँ पे बता रही है कि उनकी तलाश की जा रही है जो आरोपी है। बताया ये जा रहा है जो पीड़ित है उसके मुताबिक कि पार्टी के नाम पे बुलाया था, लेकिन उसके साथ एक तरीके से इतना बड़ा एक ट्रैप में फंसा करके उसके साथ ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। पीड़ित का यह भी कहना है कि जो आरोपी महिलाएं हैं वो धमकी देती हैं, दबाव बनाती है कि बड़े रसूखदार लोगों के साथ उनके संपर्क हैं, और इसी का डर दिखा करके वो लगातार उस पर दबाव बना रही हैं।